नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको एक रेकी सिंबल, ऐसा रेकी सिंबल बताऊंगा जो कि बिना अट्यूनमेंट के भी आपको 80% तक, 70-80% तक काम देगा, कुछ लोगों को 100% काम देगा। कुछ लोगों के पहले भी कमेंट आए, अभी भी आते हैं कि आप रेकी सिंबल के बारे में नहीं बताते। असल में रेकी सिंबल के बारे में इसलिए नहीं मैं ज़्यादा बात करता क्योंकि जितने लोग मेरी वीडियोस देखने वाले हैं, अधिकतम सब्सक्राइबर, उन्होंने ज़्यादातर मेरी वीडियोस देख के ही एक लेवल सीखा है। और जब आपको रेकी के, जिनको सिंबल कह लें, यंत्र कह लें, जो परम शक्तिशाली होते हैं, साधारण नहीं होते, यानी कि आधे घंटे का काम वो आधे मिनट में कर देते हैं, इतने जबरदस्त होते हैं, लेकिन उनका उपयोग आप तभी कर पाते हैं जब आपने प्रॉपर उन सिंबल की अट्यूनमेंट ली हो। उन जो अक्षर होते हैं, एक तरह से उन्हें बीज मंत्र कह सकते हैं, बीजा अक्षर कह सकते हैं, यंत्र कह सकते हैं, सिंबल कह सकते हैं, वो तभी काम करते हैं जब आपकी अट्यूनमेंट हुई होती है। लेकिन आपको एक ऐसा आज मैं बताऊंगा यहाँ पर सिंबल जो सभी के लिए काम करेगा, प्रॉपरली काम करेगा और डीपली काम करेगा। उसका कारण ये है, ऐसा नहीं कि ये बिना अट्यूनमेंट के काम करता है, इसके लिए भी अट्यूनमेंट होती है और तभी काम करता है। ये कार्मिक रेकी का सिंबल है और हिंदुओं का मुख्य ये सिंबल है, धर्म का, अध्यात्म का, सभी के लिए बिना अट्यूनमेंट के काम क्यों करेगा। उसका कारण है क्योंकि ये सिंबल क्या है, इसका नाम ओम, जिसको हम सभी जानते हैं। हम इसे करुणा रेकी, कार्मिक रेकी में इस्तेमाल करते हैं और जब इसका इस्तेमाल करते हैं उससे पहले सिंबल की अट्यूनमेंट दी जाती है, यानी कि उन सिंबल के साथ आपको तरंग दी जाती है, एक ऊर्जा की किरण आपकी जोड़ी जाती है यूनिवर्स के साथ, तब वो अट्यूनमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, तभी वो सिंबल आपके लिए बाकी के काम करते हैं। वैसे भी आपको जो लोगों ने कहीं से भी एक दो लेवल सीखे हैं, तीन लेवल, उनको प्रॉपर नहीं पता, उनको सिंबल्स के लिए आगे वीडियोज में बाकी बता दूंगा, लेकिन प्रॉपरली आपके लिए वो सिंबल तभी काम करते हैं जब आपने सिद्धि की होती है। जैसे मंत्र सभी हैं, हर प्रकार का मंत्र है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो मंत्र काम कर रहा है। क्यों? कुछ लोगों ने उसको सिद्ध कर रखा है, कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने, वो मंत्र को जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, किसी की बॉडी के ऊपर हाथ रखते हैं, पूरी बॉडी में करंट आना शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होने शुरू हो जाती है दूसरे व्यक्ति की, क्योंकि वो मंत्र उनको सिद्ध हो चुका है। तो ओम मंत्र ये इस प्रकार का है। पहली बात ये है कि ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। जैसे हम कहते हैं कि परमाणु अणु को तोड़ो तो परमाणु, उसको तोड़ो तो ये तोड़ दो, जैसे प्याज को छीलते जाओ, वैसे ही जब हमारी एनर्जी को तोड़ा जाए तो हटाते जाओ कवच, और एंड में एक ध्वनि बचती है, वो क्या है, ओम, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ओम। ओम नहीं है ये, ओम इसकी मुख्य ध्वनि होती है। ये इसलिए काम करेगी क्योंकि जितने भी लोग होते हैं उन्होंने जीवन में कम ज्यादा इस मंत्र का जाप किया होता है। कुछ लोग रोज 10 मिनट जाप करते हैं, 5 मिनट, आपने किया है सो अलग, लेकिन आपके पूर्वजों ने, ये आपकी श्रृंखला चली आ रही है, आपके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं किसी ने कोई सिद्धि की, नॉर्मल भक्ति की, मंत्र जाप किए। हर मंत्र से पहले ओम लगाया जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि मंत्रों की, कईयों की, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं ऊर्जा बड़ी प्रचंड होती है, वो एकदम व्यक्ति को बहुत ज्यादा उग्र भी बना देती है या अलग प्रकार की शक्ति से भर देती है, तो मंत्र की ऊर्जा को संतुलित कर देता है ओम। और ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड पैदा हुआ था, जो सबसे पहले, जिसको कहते हैं ध्वनि पैदा हुई थी, वो ओम। इसका कैसे जीवन में उपयोग करेंगे, और इसका आपको ऐसा उपयोग बताऊंगा कि आपने अधिकतम अपने जीवन में जो आनंद महसूस किया होगा, ज्यादा से ज्यादा उस आनंद की स्थिति तक आपको पहुंचाने में सक्षम है। कैसे करेंगे, और ये एक ही मंत्र और जो तरीका आपको बता रहा हूं उसके द्वारा आप यदि इसको कंटिन्यूज करेंगे तो एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, कुछ ही समय में, कुछ हफ्ते महीने हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जो आप सोचते हैं आपको सोचने भर से प्राप्त होने लग जाता है। आपकी फ्रिक्वेंसी माइंड की इतनी ऊपर चली जाती है, देवताओं के साथ मैच हो जाती है कि जो आप सोचते हैं, जो बोलते हैं, उल्टा पुल्टा सीधा आशीर्वाद वरदान सभी कुछ फलित होने लग जाता है। लेकिन हमने इस भावना से नहीं करना है कि हम किसी को श्राप दे सकें
या वरदान से सके, हमने अपने कल्याण के लिए इसको करना होता है। कैसे करेंगे इसका सिंपल तरीका, पहले ओम, क्योंकि आपके पूर्वजों ने जपा हुआ है। जो भी मनुष्य ने अपने जीवन में कर्म किए होते हैं उसका एक बीज हमारे डीएनए में चला जाता है। आपके बच्चे कैसे होंगे, उनकी आंखें, नाक, मुंह, उनकी बॉडी कैसी होगी, उनके माता पिता जैसी ही होती है। क्यों? क्योंकि वो डीएनए में चला जाता है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म डाटा हमारे डीएनए में चला जाता है। अभी यहाँ पे गर्मी लग रही है क्योंकि पंखा वगैरह चलाऊंगा तो आवाज आती है बीच में, तो वो आपके जो पूर्वजों ने जपा है उसका आपको लाभ मिलता है। वो जपा हुआ मंत्र जागृत होता है, जैसे ही कोई कंटिन्यूज उस मंत्र को करते जाते हैं उनके जो आगे आने वाली नस्लें होती हैं उनके लिए काम आसान हो जाता है। तो सहजता से मंत्र आपके लिए जागृत हो जाता है। लेकिन ये सभी के लिए थोड़ा अलग अलग काम करेगा, किसी के लिए 100%, किसी के लिए 80%, 70%, 90%। तो इस प्रकार से कैसे करेंगे, इसके साथ मेडिटेशन करना है, और कैसे उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि संभोग से ज्यादा आपको आनंद, सुख, शांति, आपको जो आपने जीवन में अधिकतम आनंद जाना है उस आनंद से भी ज्यादा आपको आनंद प्रदान कर सके। ओम सभी को पता है, यहां बताने की जरूरत नहीं है। हर मंत्र से पहले ओम लगाते हैं, कैसे लिखा जाता है सबको पता है, क्योंकि इसकी मैं आपको दीक्षा नहीं दे रहा, ट्यूनमेंट नहीं दे रहा, तो ये काम आपने खुद करना है। मैं आपको सिंपल एक छोटा सा तरीका बताता हूं। ओम ऐसे हवा में आपने बनाना है, जब भी आप मंत्र जाप या ध्यान करने बैठे, रेकी करने बैठे, उससे पहले ऐसे करना है, हवा में आपने उस मंत्र का नाम बोलना है साथ में, ओम, हवा में ही बनाना है, ठीक है। अगर आप कल्पना करके देख सके कि हवा में बना हुआ है ओम तो बहुत अच्छा है। ओम बन गया तो आपने इस तरह से सर को करना है और यहां से धक्का देना है, ओम ओम ओम, उसे 3-4 बार अपने सर के ऊपर इस तरह से, यहां हवा में बनाया और 3-4 बार इसे सर के ऊपर लगा देना है, यानी कि सहस्रार चक्र के ऊपर। ओम ऐसा मंत्र है जब चक्रों के ऊपर आता है, क्योंकि यहां पे एक और सिंबल होता है वो मैं पहले बता चुका हूं, अनंत सिंबल, तो वो यहाँ पे सक्रिय होता है। यहाँ पे ओम की ध्वनि पहले भी सक्रिय होती है तो आपको लाभ अपने आप मिल जाएगा। उसको आपने सहस्रार चक्र के ऊपर लगाना है, उसके बाद आप या पहला नंबर रेकी कर सकते हैं, दोनों ऊपर हाथ करके मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं। लगातार 1 घंटे तक कंटिन्यूज आपने ये जपना होता है मंत्र, तभी आप प्रॉपरली उस ऊर्जा को रिसीव कर पाते हैं। कुछ ही दिनों में पाएंगे आप ऐसे अद्भुत शांति, आनंद से भरने लग गए कि धरती पे तो रहते हैं आप, लेकिन ऐसे लगता है जैसे आप स्वर्ग में जी रहे हैं। एक अद्भुत ही आनंद से भरने लग जाते हैं भीतर से। तो आप रेकी का आह्वान कर सकते हैं। नंबर 2, मेडिटेशन, सिंपल मेडिटेशन कर सकते हैं। रेकी आपको जल्दी रिजल्ट देगी, इसलिए यहाँ पे एक लेवल फ्री में रेकी का बताया हुआ है। आपकी सभी बीमारियां भी ठीक कर देती है, A to Z बीमारियां ठीक करती है। दूसरा, यहाँ पे ध्यान लगाएंगे ओम को लगाने के बाद, और कल्पना में 2-4 बार उसे देखें कि ओम आपके सर के ऊपर यहाँ लगा हुआ है, और सिंपल यहाँ पे ध्यान देके कि यहाँ पे एक चक्र वाइब्रेट कर रहा है, वो रियल में वाइब्रेट कर रहा है, वहां से लगातार स्पंदन हो रहा है। उसको आपने यहाँ पे ध्यान करके देखना है कि यहाँ पे चक्र स्पंदित हो रहा है और ओम लगा हुआ है। 3 बार जब सिंबल को इस तरह से बना के आपने 3-4 बार लगाएंगे, 3-4 बार उसका उच्चारण भी करना है, ओम 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 ओम, और परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु इस सिंबल की कृपा मुझे प्राप्त हो, इस दिव्य मंत्र की कृपा मुझे प्राप्त हो। उसके बाद थोड़ी देर बैठ के ध्यान करेंगे, सर के ऊपर वाइब्रेशन होने लगेगी, बॉडी में अलग अलग जगह से आपके कहीं गर्मी निकलेगी, कहीं ठंडक, कहीं वाइब्रेशन महसूस होगी। कुछ 5% लोगों की एनर्जी डल हो जाती है, उनको कंटिन्यूज अभ्यास करना पड़ेगा तब जाके इसे महसूस कर पाएंगे। ये सिंपल एक ऐसा मंत्र है जो आपकी पूरी बॉडी को वाइब्रेट करके हील कर देगा, तंदुरुस्त शक्तिशाली कर देगा। 2, आपकी पूरी आत्मा, मन, चेतना शुद्ध, परम शुद्ध, पवित्र हो जाती है, और आप आनंद से, जिसको कहते हैं हम, वो मस्ती, वो ध्यान की मस्ती, वो समाधि की, वो परमात्मा की स्पिरिचुअल एनर्जी की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी और आप क्लियर उसे महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।